मैं खेसारी लाल यादव आप सबका भाई आप सबका बेटा नमस्कार कर रहा हूँ और आपका प्यार से आशीर्वाद भी मांग रहा हूँ ताकि ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहिए मुझे। और आज लाइव आने का कारण और अचानक लाइव आने का कारण है क्योंकि कल वैलेंटाइन डे है, क्या वैलेंटाइन डे जो भी है हमारी आप लोग को बहुत खूबसूरत हीरोइन अपने भोजपुरी की एक ऐसी खूबसूरत हीरोइन से मिलाऊंगा जो कि हमारे सिनेमा के हिस्सा है, वो जिस सिनेमा का नाम है मेहंदी लगा के रखना 3। और उसके एक ही आदमी से नहीं, सिर्फ आप है, अपने भाई से ही नहीं बल्कि आप अपने हीरोइन से भी मिल सकते हैं, आपके दिल की चाहत से भी मिल सकते हैं। और उसका जो गार्जियन है, उस सिनेमा के गार्जियन जो मेरे बड़े भाई, अब कौन हो सकता है आपको पता ही है, डायरेक्टर मेरे रजनीश मिश्रा जी। और उसके प्रोड्यूसर जो कि मेरे बड़े भाई निशांत उज्जवल जी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं पैसे से, और हम लोग के सबके गार्जियन जो हैं वो मेरे बड़े भाई और हम सबका बड़े भाई पूरी इंडस्ट्री के, वो गणेश हैं। समझिए कि बिना उनके कोई पूजा शुरू ही नहीं होती है इंडस्ट्री में। अगर कोई पूजा शुरू होगी तो समझ लीजिए कि जैसे गणेश जी के बिना हम अधूरे हैं, बिना उनके कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता, उसी तरह उनके बिना कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता इंडस्ट्री की कोई सिनेमा बनती है। तो मैं चाहूँगा कि अभय भैया प्लीज़ कम बैक टू ही हाँ बाबू, कुर्सी लेके आओ, भारी शरीर है भैया का, आप हिला कर वैसे मत करिए, हिलाइए मत आप। ये देखिए अभय भैया, अभय भैया और कल ट्रेलर आ रहा है, कल ट्रेलर आ रहा है, कल उसका ट्रेलर रिलीज हो रहा है और आगे फिल्में बना करके आप लोगों को दिया जाएगा। थैंक यू। हो गया, गणेश जी थोड़ा देर के लिए आते हैं, आशीर्वाद देके जाते हैं वो। तो मेरे कहने का मतलब, पहले कोई एक्टर को मिला देता हूँ जिनका नाम है सहर अफ्साह, जो कि बेंगलुरु से हैं और कितनी खूबसूरत है मैं बता भी नहीं सकता। इंडस्ट्री को एक बेहद खूबसूरत और बेहद टैलेंट और नेचर वाइज वेरी गुड, और मैं इनको बड़ा दिल से चाहता हूँ, इसलिए दिल से चाहता हूँ कि यहाँ बहुत कम लोगों को एक्टिंग के अलावा नेचर भी पसंद आता है, इनके पास हर वो कला है और मुझे लगता है कि आपके दिल के करीब बहुत जल्दी ये छा जाएंगी क्योंकि एक नई प्रतिभा हम लोगों ने लाने की कोशिश किया। और मैं क्या, निशांत उज्जवल रजनीश भैया, मैं तो एक एक्टर हूँ, हर एक्टर के साथ काम करता हूँ लेकिन इनके साथ करने का एक अलग अनुभव हुआ। और मेहंदी 3 जो कि मेरी सबसे बड़ी ब्रांड है मेरे जीवन की, तो उसमें ये लॉन्च हो रही हैं और इनको आप सबकी मोहब्बत और प्यार की ज़रूरत है। आप जितना प्यार दे सकते हैं, क्योंकि आप, मैं जहाँ जुड़ जाता हूँ वहाँ तो आप लोग प्यार का, मैंने क्या होता है, बाढ़ जो होता है ना, बाढ़, वो सुनामी का लहर जैसे आप लोग मोहब्बत और प्यार देते हैं, तो मैं इनसे मिलवाना चाहता हूँ आपको। ये हैं, हेलो नमस्ते, थैंक यू केसारी जी आप मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। क्या बोलूँगी आप, पगली मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, दिल से बोल दो, जो बोल दिल से बोल। अच्छा इनको क्या बोलना चाहिए, आई लव यू बोलो तुम बाबू, आप लोग आई लव यू बोलो इनको, आई लव यू टू बोलिए, आई लव यू टू, हाँ मेरे लिए था नहीं सिनेमा में मेरे लिए है, लेकिन अभी इन्होंने आप सबके लिए बोला है, ये मस्ती था, दिल से थैंक यू। और यही है सहर अफ्साह, हम लोग पहली बार लाइव आए हैं शायद सिनेमा के लिए, नहीं तो अभी तक तो पोस्टर लॉन्च हो रहा था और पोस्टर ही हम हर जगह, रजनीश व्यास 3 महीने से लगे हुए हैं, 4 महीने से सिर्फ उसी सिनेमा में कि कैसे बेहतर किया जाए, लेकिन एक बेहतर एक्ट्रेस इस इंडस्ट्री को मिलने वाली हैं, तो इनको आप सबकी प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है। हमारे भाषा से अलग हैं ये, लेकिन हमारे भाषा के लिए इन्होंने इतनी मेहनत की है लगातार 3 महीने, थैंक यू। मैं हर आदमी का सपोर्ट करता हूँ और कोई खूबसूरत चीज़ अगर बिहार के लोगों को मिलती है तो आप इसलिए सपोर्ट मिल जाता है क्योंकि आप समझ ही सकते हैं मेरे किस टाइप का हूँ। अरे नहीं यार नहीं तो। बहुत अच्छे हाँ, हमारे नेचर के बारे में जानते हैं, अब भाई चराने वाले के हाथ में ऐसा सुंदर लड़की मिलेगी तो क्या करेंगे, हम चिपरी थोड़ी पाथेंगे, हम तो गोहरा पाथ देंगे तो बस गोहरे पाथे हैं हम, सिनेमा में अब जाइएगा ना तो ईसा ईसा गोहरा पाथे हैं, जिस कतना चूल्ह बर्बाद कर देंगे हम, तो बस ये बहुत अच्छी भी हैं और नेचर से भी, सिग्नेचर से भी, राइटिंग भी अच्छा है इनका, लिखती भी बहुत अच्छी है क्योंकि पढ़ी लिखी है मेरे से ज़्यादा आप, इसलिए अब हमारा लगे हम तो घुस दे के पास बहनी, लेकिन ये टैलेंट से पास हुई है। आप इंग्लिश भी करेक्ट की है बहुत, हाँ बहुत बहुत कुछ सीखा इनसे मैं, क्योंकि बाकी जो अंदरूनी चीज़ है बहुत कुछ सिखाया इन्होंने, पर्दे की चीज़ मैंने इनको बताया है और जो मेरी माइनस थी अंग्रेजी का थोड़ा बहुत ऊपर नीचा जो वर्डिंग जो होता है
वो अलग हो जाता है। तो इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे बोलना चाहिए, और अच्छी बात है, हर आदमी एक सीखता ही है, चाहे वो जिस विधा में हो। जो इनको पता था वो इन्होंने मुझे गाइड किया, और जो मुझे पता था अपने भाषा के लिए मैंने इनको बताया, और इन्होंने बखूबी, मुझे नहीं लगा जी इनका पहला फिल्म है भोजपुरी का, ये ऐसा लगा जी कम से कम ये 5-10 फिल्में कर चुकी हैं उस हिसाब से। और हम लोग जो माहौल था सिनेमा का मेहदी 3 का, तो मुझे लगता है कि मेहदी 1 में जो आप लोगों ने मोहब्बत और जो ऊर्जा देखा था, और जो कहानी और जो गाने का जो चीज़ें आपने देखा था, मुझे लगता है उससे कई गुना ऊपर ही चीज़ है। और मेहदी 1 को जो प्यार आप लोगों ने दिया, एक इंडस्ट्री को बड़ा जो बैठ चुकी थी उसमें आप लोगों ने इंडस्ट्री को दोबारा खड़ा किया, और अभी भी कुछ ऐसा ही आप सबका प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है इंडस्ट्री को, क्योंकि हमारा भाषा मरना नहीं चाहिए। और आप जिसको प्यार दे देते हैं, और मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं प्यार मांगू क्या, मैं क्या बोला कि आप लोग तो समुद्र जैसे बाढ़ आता है, सुनामी की तरह आप लोग खेसारी को, जब से मेरी सिनेमा रिलीज होती है या मेरा कोई गाना रिलीज होता है, तो आप सुनामी की तरह बाढ़ बहा देते हैं लाइक का और देखने का। तो अब इसलिए मैं ये जो सिनेमा बना है, एक परिवार से लेकर और एक कॉलेज लोग के लोग, आज के डेट में जो चीज़ें हैं कि कॉलेज में जो लड़के और युवा लोग हैं जो, वो उनके लिए, युवा वर्ग के लिए सिनेमा बनाया है मैंने, कोशिश की है बस। और रजनीश भैया जब भी कुछ लेके आते हैं तो ये तो बम फूट पटाखा नहीं लाते हैं, छुरछुरियाँ नहीं लाते हैं, ये तोप लाते हैं, तोप तो ये तोप ऐसा छोड़ते हैं कि कितना आतंकवादी घायल हो जाते हैं। तो आतंकवादी वो है जो हमारे सिनेमा की बुराइयां हैं, आतंकवादी वो है जो हमारी सिनेमा की बुराइयां हैं, किसी इंसान की बात नहीं कर रहा हूं भाई, आतंकवादी हमारी सिनेमा की बुराइयां हैं जो हम लोगों ने छोड़ दिया है, जो हमारे संस्कार हैं जिसको हम भूल चुके हैं। उस बम से, उस तोप से ये उसको धोते हैं, और हम कोशिश करते हैं जो हम अच्छी चीज़ों को प्रमोट करें, अपने भाषा को आगे लेके आए। तो मैं अभी अभी पहला जो जुबान होगा, जो शब्द होंगे, आय है उस शब्द जो होगा ना, आय लव यू, उस आदमी का होगा जो आदमी अभी तक भोजपुरी के लिए बेहतर सब लोग सोचते हैं, लेकिन इनका सोचने का कुछ अलग तरीका है, मिट्टी की चीज़ों को लाने का। ये देखिए, इश्क भी कराते हैं तो ये ठेला वाला पे नहीं कराते हैं, ये इस मकई के खेत में कराते हैं, गेहूं के खेत में पटका पटकी करवा देंगे। तो वो हमारा ब्यूटी है, वो हमारी नेचुरलिटी है। और इनका जब इश्क होता है ना, तब बाँस में हुई, बाँसवारी में हुई, क्योंकि जो हमारी मिट्टी की चीज़ है वो हमेशा कोशिश करते हैं। तो ये देखिए रजनीश भैया, आप बोलिए कुछ। नमस्कार, प्रणाम। और आज जो हम लोग लाइव आए हैं सहर आपसा जी और खेसारी लाल यादव जी के साथ में, इसका उद्देश्य यही है कि बिहने हमनी के फिल्म मेहंदी लगा के रखना के 3, मेहंदी लगा के रखना 3 के ट्रेलर आ रहा बा, और ट्रेलर चैनल पर 11 बजे रिलीज हुई, यासिफ पर और इंटरटेन यूट्यूब चैनल पर, तो आप सब देखी ये ट्रेलर के। और हमेशा कोशिश रहल बा हमनी के कि बेहतर फिल्म ना हम फिल्म बनावल भी चालू कहनी, तो खेसारी लाल यादव जी के साथ ही चालू कहनी, और हमें मौका मिल गए गो इतना खूबसूरत हीरोइन के संगे काम करे के, तो संजोग से बहुत बेहतर कुछ करे के कोशिश कैले बनी जा। आप सब देखे में तो आनंद आई, और ख़ास करके आज कर जो यूथ जनरेशन बा, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट होके लोग, चाहे वो मतलब ओकर जो अंदर से फीलिंग होला एगो लड़की के प्रति या परिवार के प्रति और प्यार के प्रति, तो वो प्यार और परिवार सबके मिला जुला एक तो मिश्रण भाई फिल्म मेहंदी लगा रखना 3। और जितना इंटरटेन हमने के कोशिश करनी या फर्स्ट फिल्म में करे के, उतना ही ये थर्ड फिल्म में भी करे के कोशिश कर ले मानी जा। कल रउआ लोग ट्रेलर देखी, और ट्रेलर देख के अपन जौन रउआ लोग के विचार होके हमने तक पहुँचाई, और जितना एक के देख सकत नहीं देखी सब अपन आशीर्वाद दी। बहुत ही खूबसूरत लड़की शहर आपसा ये फिल्म के थ्रू आप सबके बीच में भोजपुरी जगत में आ रहा बड़ी, और खेसारी लाल यादव जी के आप सब तो इतना प्यार करनी, इतना सम्मान देनी, एक दिन में देखा था नहीं कि 10-10 मिलियन मार देता लोई लो। मार देता भतीजवा के मौसी जिंदा बात। और जितना भी सिनेमा हमारा होता तो हम एगो बात कह चाहते नहीं जेंग अरे लोग भतीजवा के मौसी के जिंदा बात कह देनी। हम चाहब कि काल अगर हमारा ट्रेलर रिलीज होता ना, तो मेहदी 3 के और एगो और सिनेमा के ट्रेलर रिलीज भेल बा हमार जाल,
और वो रिलीज़ भी 21 तारीख है ना, जो कि निशांत भाई ही कर रहे हैं उसको, जिस जो कि मेहदी के प्रोड्यूसर हैं और इन्होंने ही पैसा लगाया है, बहुत अच्छा खर्चा किया है इन्होंने अभी तक। मुझे मैं क्या बताऊँ, इस आदमी ने मैंने तौल दिया है मुझे अपने मोहब्बत से, पैसे से नहीं, क्योंकि ये आदमी जो मोहब्बत दे देता है पैसे हमारे लिए मायने नहीं रखता। ये इंसान जितना भारी है उतना ही भारी प्यार भी रखता है आदमी। तो ये दिल से धन्यवाद मैं दूंगा निशांत भाई को कि पहली बार इन्होंने प्रोड्यूस किया एक सिनेमा, और आप लोग के प्यार के बिना हर वो चीज़ अधूरी है। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह आप लोगों ने मेरे गाने को इतना प्यार देते हैं, तो कल एक दिन में कम से कम 10 मिलियन होना चाहिए। कितना बजे आ रहा है ट्रेलर अपना? 11 बजे। 11 बजे दिन में ना, 11 बजे दिन में आ रहा है। ऐसी फिल्म से और इंटरटेन से तो आप प्लीज ऐसा प्यार और आशीर्वाद दीजिए, और देख के अपना कमेंट, और देख के कमेंट भी बताइए हम लोगों ने कितना अच्छा, और शेयर भी करिए आप। तो मैं अगली आवाज़ जो हमारी होगी हमारे निशांत उज्जवल जी की होगी। नमस्कार, बहुत अच्छी फिल्म बनी है मेहरीला रखना 3। इस फिल्म से मैं एज अ प्रोड्यूसर पहली बार फिल्म बनाया हूँ, तो आप लोग इसको प्यार दीजिए। और फिल्म का कल ट्रेलर आ रहा है, हम लोग मुझे मैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर लगभग 200 से अधिक फिल्में रिलीज की हूँ भोजपुरी की, और एज ए पी आर ओ मैंने 800 से अधिक फिल्मों का पीआर किया है भोजपुरी के, जितने सुपरस्टार हैं और जितने भी कलाकार हैं सबके साथ काम किया है। तो मुझे प्यार दीजिए, और खेसारी भाई के साथ काम करके, रजनीश भैया के साथ काम करके, सहल जी के साथ काम बहुत अच्छा लगा, बहुत बेहतरीन फिल्म बनी है। और बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है अभय भैया का, जिनके चलते मैं निर्माता बना हूँ, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। तो आप लोग इस फिल्म का ट्रेलर देखिए और मज़ा आएगा आप लोग को। जो बोलते हैं ना कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आज भोजपुरी पुराने ज़माने की बन रही है, वही फिल्में बन रही है, वही ठाकुर, वो सब मिथक टूट जाएगा आपका। नए ज़माने की फिल्में, कुछ नया देखना चाहते हैं मेरी लगा लखना 3 देखिए। जो नए तरीके का प्यार जो आप लोग चाहते हैं आज के डेट में, जो नए बिहार यूपी के लड़के वो दिखाए गए, कोई वो हासिल नई लड़की लेके आए हम लोग। और भोजपुरी पल दे पल जी के साथ जितनी नई लड़कियां लॉन्च हुई हैं वो सब ने बहुत अच्छा, मतलब उनका मुकाम बना है। हम लोग की दुआ और शुभकामनाएं हैं कि सहल जी भी बड़ी स्टाइल बने। थैंक यू और आप सबको कि और सहर जी को आप इतना प्यार दीजिए। और मेहदी 3 कल ट्रेलर रिलीज हो रहा है, आप 11 बजे दिन में आप सबको साबित ये करना है कि आप खेसारी से कितने मोहब्बत करते हैं। और जाल को भी ढेर सारा प्यार दीजिए, 21 तारीख को रिलीज है। एक फुल फाइट के साथ मैं आ रहा हूँ उसमें, जो कि फाइट बहुत कम करता हूँ मैं, लेकिन पहली बार मैं बहुत ज़्यादा फाइट किया हूँ सिनेमा में। तो 21 को रिलीज़ हो रही है, प्यार के लिए कैसे फाइट किया जाता है, और इस सिनेमा में मैं प्यार के लिए कैसे जिया जाता है, खूबसूरत लड़की का जो प्यार होता है ना। अच्छा खेसारी जी, ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं, हाँ, कि सिनेमा करते हुए इतनी खूबसूरत लड़की, एक गाँव का आदमी, एक भैंस चराने वाला आदमी, गोबर उठाने वाला आदमी, हाथ में आपको इतना खूबसूरत लड़की, इसके लिप्स देखिए जरा, होंठ देखिए इसके, और ये नहीं अखरोट है, मरुआ के रोटी खानी नहीं, तो वो जो गाना है आप बनवाए, जब आप देखे इनका अब बाद में गाना बनवाए ना, ओठवा से मधु चुए है ना, तो वो ओठवा से मधु चुए गाना इन ओठों के लिए आपने बनवाया। हाँ हाँ, कितने दिन तक हम इसी पे रोटी बोर के खाए सर, लग रहा था शहद की तरह। सब चीज है एक्चुअली है कि देखिए बात ये तो 4 दिन हमको लूज मोशन हुआ इनको देखने के बाद, इतना सुंदर मैं कभी देखा नहीं था, बौरा गया मैं, बौराया था मैं 4 दिन तक, बेहोश था, इनको छू नहीं रहा था कि छूने के बाद ब्लड फेंकती थी, बहुत ज्यादा गोरी है ये। और आप लोग का प्यार मिलेगा तो मुझे लगता है शूटिंग का पहला दिन जब आप इनको पकड़ना था, आपको मैं बोला था कि पकड़ करके किसका सीन था उसमें, किसिंग था, तो आप बोले कि भैया किसिंग करते हुए डर लग रहा है, डर लग रहा है कि इतना इतना कोमल और इतना नाजुक चीज है, इसको कैसे। तो ये फालतू लोगों का इसमें कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। तो ये इतना खूबसूरत और नाजुक लड़की को अगर हैंडल विथ के क्या होता है, हाथ में लेके केयर करना। अच्छा, इसमें इसमें एक खास करके जो अपना हम लोग बनाए हैं पिक्चर में, कि आप हमेशा अंग्रेजी बोलते हैं, और अंग्रेजी बोलने का जो शैली है वो उतना प्रॉपर है नहीं आपको, तो ये बार बार करेक्ट करती है आपको, हर जगह बताती है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बोलिए, ऐसे नहीं ऐसे बोलिए।
तो कभी ऐसा लगा कि बताते बताते इसकी बातों से कि यार कितनी प्यारी है, काश सर एक बात बता, थोड़ी अब दिल की फीलिंग यहाँ क्या शेयर करे, तू लो समझते एक बात, सब के आपन भाई यहाँ पर भाई तू लो तो जानिए को लिखवा जो हम का सोचत हो क्या तू लो बताओ हम हूँ तो तू लो जो सोचत रह अभी रे रे जगदेवा बाबू बुझा तो नहीं तुम सोच रहे हो बाबू जो हम वह सोचत नहीं बट का करी भगवान आगे ब्याह करा दिले दूगो लड़को हो गई अब कोनो लड़की भावे ने खिस्सा दे लेकिन कोई बात नहीं ये मजाक था मजाक तो था लेकिन सीरियस ये था कि भाई सेट पे एक हीरोइन थी उसके पीछे हीरो भी पड़ा हुआ था उसके पीछे प्रोड्यूसर भी पड़ा हुआ था। अरे सर मैं तो कभी पीछे पड़ता नहीं इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मेरे सिनेमा के हीरोइन अच्छा इस फिल्म में अमरपाली जी ने इतना बढ़िया और हाँ अमरपाली जी ने गाना गेस्ट अपीयरेंस किया कमाल का गाना है वो मैंने मस्त गाना है आप लोगों को सुन के मजा आ जाएगा बहुत अच्छा गाना है दोनों बहुत अच्छे तो आप शहर अफसा को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए और प्लीज मेरा पहला मूवी है इनको पहला मूवी प्यार दीजिए मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री तुम क्या दोगी अगर वो लोग प्यार देंगे मैं अच्छा परफॉर्मेंस दूंगी एंटरटेन करूंगी और क्या दोगी मैं भी प्यार दूंगी मुझसे शादी कर लो हां मूवी में मूवी में किया है या नहीं मेहंदी लगा के रखना देखिए फिर चलो अगर ये आप लोगों ने कल 10 मिलियन कर दिया तो ये लड़की वादा कर रही है कि मेरे से शादी करेगी आप लोगों के सामने सुहागरात भी अगली फिल्म हम गाना एक तो गाना भी फिल्म का सुना दीजिए पब्लिक के सामने ओठवा से मधु चुए इन ओठों के लिए तो बनता है बॉस पब्लिक को ये गाना भी सुना दीजिए कितना भइल बड़ पागल ऐसन का खास बात हमरा में लागल न जाने बन के काहे लागल तू छुए उठवा से मधु चुए सुनाए सजनिया उठवा से मधु चुए तो कल 11 बजे आप सबके बीच में शहर अफसा मैं रजनीश भैया हमारे निशांत भाई सब लोग आप लोग प्यार और आशीर्वाद दीजिए मेहदी थ्री को ये ऐसी फिल्म से रिलीज है वो ट्रेलर और एक दिन में 10 मिलियन होना चाहिए और ढेर सारा शेयर और प्यार जिस तरह आप लोगों ने जिंदाबाद को दिया लहंगा लखनऊआ को दिया भतार बिना भतार मेरा धोखा दिया है सबको जो दे रहे हैं आपके साथ जो मारा मारी किए हैं इस पिक्चर में कौन है वो सूर्या जी अच्छा जो अच्छा हाँ एक हाँ। एक ये पहले देखिए ठेला लगाते थे मीरा रोड में इनको बहुत मारा है ये पहले ठेला लगाते थे इनको हम लोगों ने लॉन्च किया है अभी अभी भैया ने लॉन्च किया है इनको पहले बैगन बेचते थे ये लेकिन आज के डेट में ये आदमी क्या एक्टिंग किया है आप सोच नहीं सकते इस आदमी के बैगन ने कमाल किया और मैं शहर अफसा को दिल से थैंक यू आप इस भोजपुरी इंडस्ट्री में आपका स्वागत है हमारे भाइयों के बीच में आपका प्यार कल 11 बजे कल 11 बजे आप सब एंटरटेन में अरे रुको ना जबरदस्ती ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अभी भी समझाइएगा क्या जबरदस्ती तो ये रजनीश भैया 11 बजे कल अभी सब लोग दिल से प्रणाम गुड नाइट लव यू गुड नाइट और कल वेब से एक मेरा गाना भी रिलीज हो रहा है तो उस गाने को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और कल 11 बजे आप लोग इतना प्यार मेहंदी लगा मेहंदी थ्री को जो आपका इंतजार था इंतजार जो था उसको पूरा करने जा रहे हैं हम और मेहंदी लगा के रखना थ्री आप सबके बीच में कल एकदम मैंने कल शेयर इतना ठोक दो ना जो कल सुनामी आ जाए कल शेयर ठोको इस लड़की के लिए अपने भाई के लिए तो हमेशा ठोकते हैं यार सलूट है यार आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद जितना मिलता है शायद मैं आप सबका आजीवन कर्जदार हूँ दिल से लव यू भाई की नहीं मोहब्बत है फिल्मी मोहब्बत तो इसको ज्यादा प्यार दीजिए और फिल्म को ज्यादा प्यार दीजिए अगर 10 मिलियन कल कर दिए तो रियल में मोहब्बत कर लूंगा ये वादा किया मैंने 10 मिलियन और उनका क्या होगा उनका क्या होगा मोहब्बत कर लूंगा सिनेमा में अरे ऑलरेडी शादीशुदा इंसान हूँ यार मेरी बीवी है मेरे दो बच्चे हैं यार लव यू मैं संस्कारिक बच्चा हूँ लव यू दिल से प्रणाम मेहंदी लगा के रखना थ्री मेहंदी लगा के रखना थ्री आई लव यू ऑल मेहंदी लगा के रखना थ्री कल 11 बजे आई लव यू देवर जी लोग आई लव यू देवर जी लोग चलो कहवा दिया ना खुश हो जाओ पिंटू खुश हो जाओ